Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मतदान संपन्न कराने को लेकर मतदान कर्मियों के 3 दिवसीय चल रहा प्रशिक्षण। चितरंगी उपखंड अधिकारी विकास सिंह उपस्थित में 3 दिवसीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय चितरंगी में प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें ड्यूटी लगे संपूर्ण कर्मचारी उपस्थित रहे। चितरंगी उपखंड अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की कमी की वजह से महिला कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन महिला कर्मचारियों को ज्यादा दूर सफर नहीं करना पड़ेगा। महिलाओं को उनके नजदीकी पोलियो बूथ पर 1 दिन पहले ही आना पड़ेगा। चुनाव संबंधित सामग्री लेकर वह घर जा सकती हैं। फिर चुनाव के दिन सुबह 6 बजे से अपने बूथ पर उपस्थित होना होगा। जी सर, आज कर्मचारियों की मीटिंग वगैरह रखी गई थी क्या? मीटिंग क्या, आज त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों की प्रथम प्रशिक्षण था। 3 दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण का पहला दिन था, जिसमें आज 329 लोगों की का प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया था। अपने आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल में, और उसमें 3 लोग केवल एब्सेंट थे, बाकी सभी लोग प्रेजेंट थे और सभी ने को अच्छे से प्रशिक्षण किया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, कल भी प्रशिक्षण होगा और रविवार को भी। ये पूरे जनपद चितरंगी के समस्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जी सर, महिलाओं के लिए? हाँ, इस बार मतदान कर्मी की जो अपना दल बनेगा, उसमें महिला कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा, क्योंकि चूँकि एक साथ नगर निगम और पंचायत दोनों चुनाव रहे हैं, इसलिए कर्मचारियों की कमी को देखते हुए महिला कर्मचारियों को भी इस चुनाव में लगाया गया। सर, जैसे महिलाओं की ड्यूटी लग रही है तो उनको आने जाने में सर समस्या होगी? इसमें अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो बताया गया है कि अगर महिलाएं लगाई जाएंगी तो उस बूथ के पास की किसी गांव की महिला होगी जो उस दिन सुबह आएंगी और चुनाव का समापन करा के चली जाएंगी, दूर से महिलाओं को नहीं लगाया जाएगा। जी सर, पीठासीन अधिकारी सर कैसे रहेंगे? पीठासीन अधिकारी जनपद के बाहर के रहेंगे, जो दूसरे ब्लॉक से आएंगे। जी सर।